आप देख रहे हैं खबर उजागर। अब हर खबर होगी उजागर। एमसीपी जिले की ग्राम पंचायत कछौड़ के आश्रित ग्राम गुडुरुपारा में बाघ ने दस्तक दे दी। कल शाम एक ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही ग्रामीण की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीण बुद्धूलाल मछली पकड़ने के लिए बांध पर गया था, जहां उस पर बाघ ने हमला कर दिया। खबर लगते ही गुलाब कमरो विधायक भरतपुर सोनहत ने तत्काल प्रभाव से उपेंद्र द्विवेदी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी किसान एमसीबी एवं वन विभाग की टीम को डीएफओ एसडीओ रेंजर वन अमला साथ में थाना प्रभारी को निर्देशित कर घटनास्थल में पहुंचने को आदेशित किया। समस्त टीम घटनास्थल पर पहुंची। रात का वक्त और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से टीम को खाली हाथ लौटकर आना पड़ा। सुबह 6 बजे पुनः जिला कांग्रेस कमेटी किसान अध्यक्ष एसडीओ फॉरेस्ट रेंजर पुलिस प्रशासन अमला घटनास्थल में पहुंचा। लगभग 40 मीटर की दूरी पर शक्त विशक्त लाश तक पहुंचने में सफल हुए और बाघ की मौजूदगी में लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही थी। समस्त अमला एवं ग्रामीण जनों की मदद से कुछ दूर खदेड़ शव को कब्जे में लिया। विधायक गुलाब कमरो ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया गया। हाल ही में मृतक के अंतिम संस्कार हेतु 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। आज एक घटना हो गई है, बाघ के द्वारा एक व्यक्ति पर हमला किया गया, इसके बारे में विवरण देंगे। कल ये लगभग शाम को 4 बजे, जैसा ग्रामीणों ने बताया कि शाम को 4 बजे वहाँ पर मछली मारता हुआ, वो दो नाम का था, वो दो गरिया मछली मारने गया हुआ था। यहीं रोड से, मेन रोड से 1 किलोमीटर दूर पे डेर है, वहीं पर बाघ के द्वारा बताया गया, अटैक किया गया। और जानकारी विभाग तक पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया, अधेला हो गया था। और सरपंच यहाँ के जाके उसका पंजे का निशान वगैरह भी दिखाया। आज सुबह जैसा कि विधायक जी को भी सामने ही अवगत था, विधायक जी हमको भी निर्देश दिए कि वहाँ पर पहुँचे हैं। रात था इसलिए जा नहीं सके, वहाँ पर देख नहीं पाए। अभी सवेरे गया, पूरा वन अमला था, हमारे डीपो साहब थे, डायरेक्टर साहब है, टीओ रंजन, वन विभाग के सारे अमला यहाँ पर, पुलिस प्रशासन के सभी यहाँ पर थे। और अभी वहाँ पर डेड बॉडी मिल गई उनकी, पैर जो है नहीं था वहाँ पर। आखिर ग्रामीणों के लिए क्या संदेश रहेगा? ग्रामीणों के लिए यही संदेश है कि जंगल ना जाए, अनावश्यक रूप से जो है शाम सवेरे ना घूमे, जंगल के करीब की बस्ती है। और माननीय विधायक जी का भी है कि जो भी हर यथासंभव मदद होगा वो परिजन को किया जाएगा। सर, आज एक बाघ के द्वारा घटना की गई है, इसके बारे में विवरण देंगे। कल शाम की घटना है, करीब 5 बजे के आसपास बुधुलाम नाम का व्यक्ति है जो मछली पकड़ रहा था अपना कछोड़ के जो जंगल अपना है, तो करीब शाम को पकड़ा है और घसीटते हुए उस पार ले गए नदी के उस पार। और कल रात की घटना थी, तो रात में ठीक नहीं था जाना, इसलिए सुबह सुबह देखी वहाँ पर उसके बाजू मिला था। सर, ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल है, किस प्रकार से वन विभाग उपयोग करेगी पकड़ने में बाघ को? अब इसको लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और लोगों को माने जागरूक करेंगे कि जहाँ भी जा रहा है मॉनिटरिंग करते हुए उस गांव को सतर्क कराएंगे। ग्रामीणों के लिए क्या संदेश रहेगा आपको? ग्रामीण को यह संदेश है कि वह सुबह सुबह 9 बजे से पहले जंगल ना जाए और शाम को 3 बजे के बाद जंगल ना जाए, यही गुजारिश है। मृतक परिजन के परिवार को क्या राहत दी गई है वन विभाग की ओर से? अभी हाल ही में उनको तत्कालिक सहायता में 25,000 दी जाएगी, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो फिर तत्काल 6 लाख रुपये उसको दी जाएगी, कुल मिला के 6 लाख रुपये।